एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। चलिए आज हम जो है जो पढ़े थे आवेश, ठीक है, तो आवेश में हम लोग आज न्यूमेरिकल देखते हैं क्या क्या है इसमें। आवेश में आप न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए पहला न्यूमेरिकल आपका है, ठीक, करा एक चालक पर 8.0 × 10⁻⁷ कूलाम ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, अर्थात आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। करा एक चालक पर, ठीक है, 8.0 × 10⁻⁷ कूलाम यानी क्यू का मान कितना दिया गया है आपका, इतना हो जाएगा, ठीक, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ठीक है ना। करा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है उन्हीं की संख्या पूछा है, यानी n का मान आपको बताना है, ठीक। तो बताए थे आवेश का एक क्वांटीकृत राशि है, तो हम लोग लगाएंगे सूत्र q=EnE से, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो n यहाँ आ जाएगा और क्या हो जाएगा, ये q/E हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका फार्मूला बन गया, कितना n=q/E, क्यू का आपका मान दिया गया है, यहाँ पुटअप कर दिए, ठीक है, इतना हो गया इसकी वैल्यू, और E का मान आपका पता है इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, ठीक है ना, इसको आप भाग देकर हल कर लीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ यहाँ से 10 हम लोग हटेगा, यहाँ 0 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा ऊपर आपका हो जाएगा 80, नीचे कितना हो जाएगा 16, 16 × 5 = 80 यानी 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये ऊपर जाएगा, इसमें क्या होगी, घात घटेगी, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा 10^19 प्लस में हो जाएगा, उसमें घट जाएगा, तो 19 में से सादे कितना आ जाएगा 10^12, ठीक है। अर्थात इसमें क्या हुआ, ऋणावेश से तात्पर्य इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता से, जिस पर ऋणावेश आता है इसका मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन से क्या हुई, अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता है, ठीक। ये पहला सवाल। अब देखिए आगे दूसरा सवाल देखते हैं, यदि किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10^9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। देखिए आपका दिया है कितना, 1 कूलाम आवेश दिया गया है, ठीक है। अब ये जो ए इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, किसी अन्य आवेश से क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, तो दिया गया आवेश इतना हो गया, 1 कूलाम आवेश में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, क्यू बराबर एन हो गया, तो एन इक्वल टू q/E से हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ना, क्यू का मान दिया है 1 कूलाम है, ई का इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है आपको 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, तो आपका आ जाएगा 6.25×10⁻¹⁸, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या, एक सेकंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है 10^9 है, कितना है 10^9, तो अब 1 कूलाम आवेश स्थानांतरण में लगा समय, तो जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये दी गई है और जो 10^9 है, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ इसको जैसे ही डिवाइड यहाँ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10^9 है, यहाँ कट जाएगा 10^9 से, यहाँ 10^9 इतना सेकेंड बनेगा, आप इसको यहीं पर आंसर में लिख देंगे, ठीक। अगर आप इसको वर्ष में बदलना चाहते हैं, ठीक है ना, तो 1 वर्ष में 365 दिन 24 घंटे 3600 सेकंड होंगे, आप भागेंगे तो लगभग 198 वर्ष आ जाएंगे, ठीक। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल है, धातु के एक टुकड़े पर, ठीक है,
देखिए यहाँ दिया धातु के एक टुकड़े पर प्लस वन नैनो कूलाम, प्लस वन नैनो कूलाम आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित होंगे। ठीक है, अब धातु के एक टुकड़े पर जो आवेश दिया है कितना है, एक नैनो कूलाम। एक नैनो बराबर होता है 10^-9। ठीक है, तो हो जाएगा 1×10^-9 कूलाम हो गया आपका। ठीक है, अब जो मूल आवेश है ई, इसका मान आप लोग पता है। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित, यानी इलेक्ट्रॉनों की आपको क्या बतानी है, संख्या बतानी है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे क्यू बराबर यानी से। अब देखिए आवेश को बताया गया था क्या है, एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश क्या है, एक क्वांटीकृत राशि है। तो क्यू बराबर यानी से, तो यानी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। ठीक है, तो अब देखिए आपका 1×10^9 हो गया, ये कितना हो गया 1.6×10^-19। ये ऊपर जाएगा, प्लस में होगा, यहाँ से एक घात घट जाएगी। अब इसमें भाग देंगे तो यहाँ जाएगा 6.25×10^9, यानी 0.1 अंक क्या आएगा, बाईं तरफ और आएगा तो एक घात, और इसमें एक दाईं तरफ जाएगा तो एक घात इसमें और घटेगी। ठीक है, 10^10 जो 10 थी उसमें एक घात घट जाएगी, कितना हो जाएगा, दाईं तरफ जाने पर घातें घटती हैं। ठीक है, हो जाएगा तो इतना हो जाए। ठीक, तो अतः धातु के टुकड़े पर 6.25×10^9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखें, अब ये आपके दो सवाल हैं। ठीक है, इनको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला सवाल जैसे क्या है, एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी जो एन का मान दिया है वो कितना है, 1500 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रक्रिया, यानी क्यू का मान आपको बताना है। ठीक, और ई का मान आपको पता है 1.6×10^-19। ठीक, तो आपको किसका मान बताना है, क्यू का। तो क्यू बराबर आप लोग क्या लगाएंगे, इसमें क्यू बराबर लगा देना यहाँ, यानी ठीक है, क्यू बराबर क्या लगा देंगे, यानी एन का मान 1500 लिखेंगे, और ठीक है एन का मान कितना रखेंगे, 1500। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6×10^-19 रख के आप गुणा कर देना, आप जो है इतना आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। दूसरा क्या, एक चालक पर इतना कूलाम ऋणावेश है, ऋणावेश है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, यानी जो कितना कूलाम, यानी क्यू का मान कितना दिया है, ये हो गया आपका। इस चालक पर इसकी सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी, देखो इलेक्ट्रॉनों क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है क्या है, ऋणावेश है। ठीक है, ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे, क्यू बराबर एन लगा देंगे और सोल लगा देंगे। ठीक है, तो हमें कितने, तो एन बराबर क्या हो जाएगा आपको, इसमें भी क्यू अपान ई से, क्यू का मान आपका दिया है 9.6×10^-19। ठीक, और इसका मान 1.6×10^-19, 10^-19 से 10^-19 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 16×96 इतना बचेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 10^-19 और 10^-19, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 16×96 यानी आ जाएगी कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। क्यों अधिकता क्यों होगी, क्योंकि क्या है, ऋणावेश, ऋणावेश का मतलब होता है जब कोई वस्तु पदार्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है, तो उस पर क्या हो जाता है, ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या है। ठीक, चलिए देखिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है। आपको बताया गया था आवेश क्या है, क्वांटीकृत राशि है। ठीक है, कह रहा है इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है, पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों का व्यवहार कितने समय हम विद्युत आवेश को क्वांटीकृत की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आगे दिया गया है किसी वस्तु, ठीक है इसमें क्या, किसी वस्तु आवेश
किसी वस्तु का आवेश क्वांटीकृत है। इस कथन का तात्पर्य है कि हम किसी वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम यानी इलेक्ट्रॉनिक आवेश के सरल गुणांक के रूप में हो सकता है। अतः क्या है किसी आवेश वस्तु पर आवेश, आपको बताया आवेश क्या है, क्वांटीकृत राशि क्यू बराबर यानी प्लस माइनस एन हो जाएगा, जहाँ एन का मान 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी देख सकते हैं डॉट, और ई का मान आपका इतना क्या होता है फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। ठीक है, दूसरा देखिए भी क्या कह रहा है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेश से व्यवहार करते समय, व्यवहार करते समय आवेश क्वांटीकृत का कोई भी महत्व नहीं है, नहीं होता और इसकी उपेक्षा की जा सकती है। इसका कारण है कि आप बड़े पैमाने पर व्यवहार में आने वाले मूल आवेशों की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी आपका दिया गया है, ये उदाहरण हो गया। ठीक, देखिए ये आपका एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए एक माइक्रोग्राम आवेश में लगभग 10^10 कितना हो जाता है 13 मूल आवेश सम्मिलित होते हैं। ऐसी अवस्था में आवेश को सतत मानकर व्यवहार किया जाता है। ठीक है, स्थूल का मतलब छोटा और यहाँ ये आपका बड़ा पैमाना। ठीक, आगे अब देखिए, आवेशन के बाद उसी में है, आवेशन के बाद दोनों वस्तुओं को नेट शून्य यानी जितना भी आवेश होगा उसको क्या माना जाएगा, शून्य आवेश मान लिया जाता है। ठीक, अब देखिए आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3×10^-7 कूलम ऋणावेश से आवेशित हो जाता है। आपको ना जिस वस्तु क्या होती है ऋणावेशित हो जाती है, वह इलेक्ट्रॉनों का क्या करती है, ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला है देखो इसमें अस्थानांतरित ठीक, अस्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन का मान बताना है आपको। ठीक है, दूसरा कह रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में साहित्य का स्थानांतरण होगा यानी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है कि नहीं। अब देखिए पहला आवेश का मान दिया गया है इतना, आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, आवेश का मान इतना हो गया, क्यू बराबर एन ई से, एन बराबर क्यू अपान ई से, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, इसका मान इतना दिया है। ठीक, यहाँ 10 हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, ऊपर जाएगा 10^12 हो जाएगा, 16 से हम लोग भाग दे देंगे, यहाँ 10^12 ऊपर 30। ठीक है, यहाँ से जब हम लोग क्या करेंगे इसको हल करेंगे तो जाएगा 30, 10 हटेगा 16 गुड़े ऊपर जाएगा घट के 10^10 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसको आप लोग हल कर लेंगे, ठीक है, आपका आंसर इतना आ जाएगा, पॉलीथीन के टुकड़े का ऋणावेशित है। आता 1.85×10^-12 इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर स्थानांतरित हो रहे हैं। ठीक है, पॉलीथीन क्या हो जाएगी ऋणावेशित होगी और ऊन क्या होगा धनावेशित हो जाएगा। ठीक, आगे देखें दूसरा जैसे क्वेश्चन था उसमें कह रहा है हाँ स्थानांतरित होता है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, जैसे इलेक्ट्रॉन की तरफ मान आपको पता है 9.1×10^31 होता है ऊन से पॉलीथीन में साहत। ठीक है, यम इक्वल टू हो जाएगा यन इंटू यमी। ठीक, आपका यन का मान वहाँ से हम लोग निकाले हैं तो इतना आया था। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे इसको पुटअप करेंगे, देखिए इतना हो गया और इसका सीधा गुणा करा लीजिएगा आप लोग 1.7×10^18 किलोग्राम आ जाएगा आपका। ठीक, तो ये था इतना, इन सवालों को आप लोग लगाइएगा बार बार और आपके ठीक है हल करने के लिए कुछ सवाल आपको और भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।